अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फ़ोन नवा आया है तो ये रिकवरी पे स्टक है, तो इसको हम फिक्स करेंगे। आप वीडियो को मुकम्मल देखना, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए आपको दिखाता हूँ, इसको पहले रीसेट करके देख लेते हैं। रीसेट तो ये हो गया, देखते हैं कि अब ऑन होता है कि नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वापस अपनी जगह पे आ गया है रिकवरी मोड में, तो इसको रिस्टार्ट भी करके देख लेते हैं। उससे शायद काम बन जाए। आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये फिर से रिकवरी मोड में आ गया है, ये रीसेट भी नहीं हुआ, ये रीस्टार्ट भी नहीं हुआ। तो इसको अब हम फिक्स करेंगे। तो आपने बैक कवर निकाल लेना है, बैक कवर निकालने के बाद बैटरी डिस्कनेक्ट कर लें, फिर से कनेक्ट कर लें। उसके बाद ये इसके टेस्ट पॉइंट है, तो ये इसके यहाँ टेस्ट पॉइंट, ये साइड पे दो ये वाले दोनों ये सोल्ड हुए हैं। तो इसके साथ हम फोन कनेक्ट कर लेंगे। पहले हम जाएंगे चीता टूल को ओपन कर लेंगे। जी यहाँ से आपने चले जाना है क्वालकॉम में। क्वालकॉम में जाने के बाद सर्विस पे जाएं और यहाँ पे आप सिलेक्ट करें मॉडल हुआवे है, और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे हमारा नोवा 8i। इसको सिलेक्ट करने के बाद जैसे आप सिलेक्ट कर लेंगे, इसको हम जनरल सर्विस पे जाएंगे, यहाँ पे करेंगे रिपेयर बूट। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये सबसे नीचे वाला ऑप्शन है रिपेयर बूट, इस पर हम क्लिक करेंगे। और अब हम इसको टेस्ट पॉइंट से कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेंगे।
गाना हो गया, यहाँ पे ये वाइब होगा अभी। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि फ़ोन हमारा डन हो चुका है, तो हम अब इसको नेक्स्ट करके तो इसको मेन्यू में ले जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दें। तो ये हमारा फ़ोन तो डन हो गया है।